ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर बॉक्स ऑफिस पर बेहद ही शानदार कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिल्म को अभी भी दर्शकों की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। जहां फिल्म ने 6 दिनों में 187.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी, वहीं अब लीजिए फिल्म के 7वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। बता दें कि वॉर के लिए दशहरा बेहद ही लकी साबित हुआ है। फिल्म ने 7वें दिन लगभग 27.75 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म ने अब तक 216.65 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। तरण ने ट्वीट कर लिखा, वॉर वेंसडे 51.60 करोड़, थर्सडे 23.10 करोड़, फ्राइडे 21.30 करोड़, सैटरडे 27.60 करोड़, संडे 36.10 करोड़, मंडे 20.60 करोड़, ट्यूसडे 27.75 करोड़, टोटल रुपीज 208.05 करोड़, इंक्लूडिंग तमिल प्लस तेलुगु रुपीज 216.65 करोड़। इंडिया बिजनेस, दिस वन अ मॉन्स्ट्रस हिट। जिस तरह से ये फिल्म कमाई कर रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस फिल्म का दबदबा यूं ही बरकरार रहने वाला है। इतना ही नहीं, फिल्म को आने वाले हफ्ते का भी फायदा मिलेगा, जिससे फिल्म के कलेक्शन में और भी ज्यादा 4 चांद लग जाएंगे। बात करें फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए है, जिसे फिल्म ने 7 दिनों में ही पार कर लिया है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को भारत में 4000 स्क्रीन्स और ओवरसीज में 1350 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, यानी वर्ल्ड वाइड में इस फिल्म को 5350 स्क्रीन्स मिली है। बता दें कि अब तक बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्म है। फिल्म में टाइगर और ऋतिक ने बेहद ही धमाकेदार एक्शन सीन्स किए हैं, जिन्हें देखकर दर्शक भी दंग रह गए। इस फिल्म ने बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का लेवल काफी हाई कर दिया है। फिल्म में ऋतिक और टाइगर के साथ वाणी कपूर भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आई हैं। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या वॉर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।